डेस्पिरेशन, इमोशंस, डिप्रेशंस सब चुट चुके हैं मैं क्लासिकों में, सब सब। और अगेन अनदर डिसअपॉइंटमेंट एंड होप होप होप। मैं एग्ज़ाम्स की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था, और एग्ज़ाम्स के बाद फुटबॉलिंग ट्रीट है, चैम्पियंस लीग वापस आ चुकी है, जी हाँ। और क्लासिको थी, मैं सोचा क्लासिको के बाद वीडियो बनाया जाए, एंड देन आई सर्टनली रियलाइज दैट वी आर फक्ड अगेन अगेन एंड अगेन। वी लॉस्ट अवर फर्स्ट लालीगा गेम अगेंस्ट हेताफे, एंड वी क्वाइट प्लेड अगेंस्ट, वी क्वाइट प्लेड गुड अगेंस्ट फेरेंशवारोस, क्या नाम था पता नहीं मुझे। बट आफ्टर दैट दिस डिप्रेसिंग, आई नो बहुत लोगों को ये भी लगेगा कि वी प्ले वेल, आई वॉज इन डिनाइंग वी प्लेड वेल, बट हमें चांसेस क्रिएट करे, हमने यू नो मोस्ट मेजॉरिटी, हम पोजिशन गेम के लिए फेमस है और हम बॉल रखने के लिए फेमस है, बट क्या दिखा हमने आज के गेम में, क्यों दिखा और क्या दिखा, लिटरली मैं क्या बकचोदी कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है मुझे इस गेम को, मेरे को तो अब मोबाइल ही तोड़ देना है मेरा। बट द फ्रस्ट्रेशन इज़ अबाउट दैट एपिक लॉस। यस, बार्सा लेजेंड्स आर एक्चुअली, मैंने बहुत सारे लेजेंड्स के इंटरव्यूज़ वगैरह जो थे वो देखे थे, और बार्सिलोना इस सीज़न बहुत सारे मार्जिनस के साथ जीतेगी, अगर कुछ जीतेगी तो। एंड अगेन मैं वो तो नहीं देख पा रहा, बट मैं डेफिनेटली यहाँ पे मार्जिन से लूजेस देख पा रहा हूँ। 3-1 से हारे हैं हम एट कैंप नू, एंड दिस इज़ शेम, अटर शेम, यू नो, बिकॉज आई कॉन्ट टोटली ब्लेम रोनाल्ड कूमन, आई हैव पॉइंट्स टू ब्लेम रोनाल्ड कूमन, बट कहाँ पे हम कम पड़ गए भाई साहब। लिटरली मैं इस मैच में गलतियाँ निकालने के लिए एक घंटे की वीडियो बना सकता हूँ, एक घंटे की। और पहली बात, बुस्केट्स को स्टार्टर मत बनाओ, मत बनाओ, मैं पिछली वीडियोस में भी भोंक चुका हूँ, बट कौन सुनेगा, मत बनाओ। बट हाँ, ही डिस्ट्रीब्यूट्स बॉल क्वाइट गुड, बट ही कांट डिफेंड मैन, सो उसकी डिफेंडिंग अटर शिट है। और अगर 33, उसकी एज भी क्या है, 32 या 33 होगी शायद, इतने साल का बुस्केट्स फेडरिको वेलवर्डे को कैसे मार्क करेगा, अ यूरुग्वेन यंग ब्लड कैसे मार्क करेगा। एंड देन पीके कमिटिंग, भाई पीके यार, मैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता हूँ कभी कभार, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है। सो पीके को कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे कमिट करने की, और स्पेस ओपन हुआ बेंजिमा के लिए, एंड व्हाट अ पास बाय हिम, एंड फेडरिको वेलवर्डे का पेस, एंड बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि जिडान ने अपनी जॉब सेव कर ली, बचा ली, मे बी अगर रियल मैड्रिड हार जाती तो ही कुड बी सैक्ड, बट हु केयर्स, बिकॉज इट्स अबाउट बार्सिलोना। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कल की मैच देखने के बाद, लिटरली, मतलब एंगर और गुस्सा, डोंट नो, बट ये होना था, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे मैड्रिड प्रेस बेटर एंड बेटर, द रिटेंशन रेट, एक्चुअली ये मैच जो थी ना, ये पूरी गलतियों पे डिपेंडेंट करती थी, और गलतियाँ बार्सिलोना ने की, एंड मैड्रिड ने भी गलतियाँ की, मैं ऐसा नहीं कह रहा, दोनों ने गलतियाँ की है, गिव अवे करे हैं बॉल इजीली, रिटेंशन एंड मोस्ट प्रोबेबली टेक एडवांटेज, सो ये फैक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मैड्रिड कहीं ना कहीं मिडफील्ड पूरी तरह से डोमिनेट करती है, क्योंकि हमारे डबल पिवट शिट है। मैं फ्रेंकी डी योंग को यहाँ पे एक्सेप्ट फ्रेंकी डी योंग की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पियानिस भी इंट्रोड्यूस हो सकता था एज अ स्टार्टिंग, बट आई डोंट नो व्हाट वाज प्लान ऑफ रोनाल्ड कूमन, एंड आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विथ हिज डिसीजंस। और हाँ, मिडफील्ड हम पूरी तरह से डोमिनेट क्यों नहीं कर पा रहे, हम पोजिशन क्यों नहीं रख पाते, बिकॉज ऑफ दिस 4-2-3-1 वाली बकचोदी, और क्यों डबल पिवट्स आरंट इनफ फॉर अस, बिकॉज मैंने बहुत सा सारे गेम्स देखे, मतलब मैंने तो, बट डेफिनेटली हमारे जो बॉल बेसिकली बैक से हम बॉल जीतते हैं वो पीके या लॉन्ग ले की वजह से। एंड अगर दूसरा सोर्स देखी तो फ्रेंकी डी योंग, ठीक है फ्रेंकी डी योंग इज़ यंग, ही कैन कमिट, बट पियानिस बुस्केट्स जैसे प्लेयर्स इतने आराम से बॉल नहीं जीत सकते डबल पिवट में,
और कहीं ना कहीं ये बात इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो फोर अपफ्रंट है वो क्रिएटर्स के फेज़ में ज़्यादा है, वो डिफेंसिवली प्रेस करने में मदद करेंगे, बट वो कितने हद तक डिफेंड कर पाएंगे, बिकॉज कंटिन्यू ऑफेंसिव फेज़ में बाप, बट डिफेंसिवली वो ज़्यादा से ज़्यादा एक फाउल कमिट कर सकता है, उससे ज़्यादा टैकल नहीं मार सकता ना, वो कसेमिरो नहीं बन सकता ना, बिकॉज वो इनिएस्टा की प्लेस फिल करने के लिए आया था, बट इनिएस्टा का बॉल रिटेंशन ऑन नेक्स्ट लेवल था, उसका बॉल कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट लेवल पर था, सो वी कांट फेल अवर लेजेंड, सो वी नीड टू गिव चांस टू अवर यंगस्टर्स, क्योंकि अगर वो यूथ पर इतना भरोसा करता ही है तो अलेनिया और प्यूज जैसे प्लेयर्स को क्यों चांस नहीं मिलते, आई एम वेरी डाउटफुल अबाउट इट, क्योंकि वो उन पर काउंट ही नहीं कर रहा शायद से, और लिटरली मतलब सब्सटीट्यूशन, अगेन सब्सटीट्यूशंस आर लिटरली केम when 10 minutes were remaining, and what a decision man, अगर आप comfortable lead में हो तो आप 60 minute पे substitutions करते हो, Zidane was exactly doing and he literally saved his job, भाई Zidane होशियार है बहुत इस Camp Nou में, again he proved, भाई Ferencváros और Real Madrid में फ़र्क है भाई, फ़र्क है, and they lost against Shakhtar and they came back, they have a strong moral, Ramos था बहन का लौड़ा, और पेनल्टी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता भाई, VAR is inconsistent और बाकी पता है आपको सब, and भाई हाँ एक और अभी याद आया मुझे, विंग्स क्या बकचोदी है यार विंग्स पे, आप मेसी को सेंटर अटैकिंग खिला रहे हो, ठीक है, as a 49 he absolutely played sensational game, but goal के बाद वो थोड़ा थोड़ा गायब मुझे भी दिखने लगा, Pedri was a good, a decent player in center, Coutinho is good, but they can't work in wide areas, they suck at wide areas, I knew that, and अगर हम Griezmann या फिर Dembele Trincao जैसे, you know, who can play in wings, अगर उन्हें introduce कर पाते, तो maybe we should have different results, cause I really don't know कि wings पर दोनों central players कर क्या रहे थे, and I was quite frustrated, आज मेरे मुँह से इतनी गालियाँ निकल रही है भाई, I didn't want to mention about anything about Messi, cause he was quite average, मैं उसको कोई blame नहीं करना चाहता, he was desperate to score and he was literally dropping deep and losing his energy, so he can't able to finish off in final third that much time, but अगेन अ प्रेज टू नेटो, नेटो वॉज इनक्रेडिबल एक्सेप्ट दैट लास्ट एरर, क्योंकि भाई लास्ट में जो एरर था वो मॉड्रिच का गोल, और फिर मैंने अपना लैपटॉप जोर से बंद करा और सोने को चला गया, एंड देन अगेन बहुत जल्दी सो गया मैं कल, और हाँ एंड ऑल्सो अबाउट Sergiño टेस्ट मैन, ही वॉज अ स्टार्टर एंड ही वॉज इनक्रेडिबल, स्टॉपिंग मेंडी, स्टॉपिंग विनीशियस जूनियर एट दैट राइट फ्लाइंग, Pedri वॉज क्वाइट इतना खास नहीं लगा, बहुत ही डिसेंट और एवरेज ही खेला Pedri, को वो विंग्स पे इतना खास नहीं था, अगेन मैं अब ब्लेम करूँ भी कितना यार, वाइट पे कैसे खेलेंगे सेंट्रल प्लेयर्स, अगेन ही इज़ अ यंग, ही कैन प्ले, बट एक्सपीरियंस मैटर्स, सो इतने बड़े गेम में उसका झटका लगा है हमें, बट अगेन कोच थिंक्स दैट ये इतना मैटर नहीं करता, और दो लॉसेस से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे अब देखना कि ये कूमन कितना कंसिस्टेंट रह पाता है अगले गेम्स में, और किस तरह से यू नो स्क्वाड की रोटेशन हो पाती है, और लिटरली एक्साइटेड, ला मसिया प्लेयर्स को चांस मिलना चाहिए डेफिनेटली, और हाँ डेस्ट वॉज क्वाइट इम्प्रेसिव, और Jordi Alba वॉज बैक, एंड ओवरलैपिंग रन्स वी मिस्ड अ लॉट इन दैट लास्ट टू मैचेस, एंड हाँ वो प्री असिस्ट बाय Messi वॉज क्वाइट डिसेंट मूव, एंड फाती ने अच्छे से फिनिश ऑफ करा, बट उसके बाद यू नो बिकॉज Jordi Alba इज़ क्वाइट ओल्ड नाउ, सो वो रिकवरी रन्स नहीं कर पाता और रुक जाता है भाई बहुत बार, और वो लेफ्ट साइड पूरी तरह से यू नो फ्रेंकी को कवर करनी पड़ती है, सो एक्सपोज हो रहे थे हम बहुत ज़्यादा, और मैड्रिड काउंटर अटैक कर रही थी, सो वी लिटरली नीड अ लेफ्ट बैक, अ सेंटर बैक, एंड मे बी अ नंबर 9, बिकॉज Partey इज़ प्लेइंग गुड एट नंबर 9, सो डेफिनेटली मैं फ्यूचर में उसे देखना चाहूँगा, बट स्टिल ही इज़ गुड एट विंग्स फॉर नाउ, बट मे बी हु नोज़, वी नीड अ लॉट ऑफ रूम टू इम्प्रूव, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा।